क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री इसमें हमें प्रोपोर्शन की एक और टाइप है इसको फाइंड फाइंड आउट करना है जिसको कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास तीन टर्म्स हैं ए सेकेंड टर्म इज़ बी एंड थर्ड टर्म इज सी और इनके आपस में रिलेशन ऐसे बन रहा है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी यहाँ पर आपके पास जो ए होगा दिस इज योर फर्स्ट मीन ये हमारे पास फर्स्ट मीन है और हम कहते हैं जी बी जो है बीच में ये आपके पास मेन uh, प्रोपोर्शन है आपका दिस इज योर मीन प्रोपोर्शन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया और सी जो होगा आपके पास ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में इसको सॉल्व किया था तो फर्स्ट मीन जो मीन प्रोपोर्शन है बीच में और थर्ड प्रोपोर्शन अगर इस तरह से आपस में ये रिलेटेड हैं तो इसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद है यानी कि दूसरे लफ से हम ये कहेंगे कि ये फर्स्ट मीन है ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है और ये थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास मौजूद है तो इस तरह की अगर टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी तो हम उसको कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है जैसे ये तीन टर्म्स हैं तो इनको हम आपस में ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्योंकि उसने यहाँ से पूछा आपसे सो वी विल कनेक्ट दैम या इनका रिलेशन हम आपस में कैसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे फाइव रेशो पी अब देखें जो बीच में टर्म आ रही है वो आपका मेन प्रोपोर्शन है तो पी को आप क्या करते हैं इसको रेप्लीकेट करेंगे ये दोबारा से आप लिखेंगे प्रोपोर्शन पी रेशो फोर्टी फाइव ठीक होगी बात अब ये बड़ा सिंपल से रिलेशन बन चुका है जिसमें आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है हमारे पास दिस इज या पे... बताएंगे अब जो एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास वो कौन सी है फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फाइव एंड मीन वैल्यू इज़ पी इंटू पी सो फाइव इंटू फोर्टी फाइव क्या होगा हमारे पास दिस इज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव क्वल्स पी स्क्र अब हमें क्योंकि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें बहुत द साइड्स क्या करना पड़ेगा स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा एंड वी विल गेट पी इक्वल्स टू प्लस माइनस तो इस तरीके के साथ हमने जो इंडिकेटेड लेटर था जो जिसकी निशानदेही की गई थी हमने उस लेटर को फाइंड आउट कर लिया नाउ इन पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर हमें यहाँ पर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन की मदद से इस इंडिकेटेड लेटर यानी कि पी को ही फाइंड आउट करना है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आपके पास जो लेटर्स होते हैं आप जो भी क्वांटिटीज आप जानते हैं उसको कैसे आप इंगेज करते हैं ए रेशो बी देन प्रोपोर्शन बी रेशो सी तो ये सेंटर वेल वैल्यू होती है आपकी ये रिपीट होती है तो सोल्यूशन में हम जाते हैं तो आप बता दें क्योंकि गिवन है आपको एज इट इज गिवन जो टर्म्स हैं ये किस में है जी देज आर इन कंटिन्यूड ये प्रोपोर्शन में है तो ये हमें यहाँ पे गिवन है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिहाजा हम इसको कैसे लिखेंगे ट्वेल्व रेशियो सेकेंड टर्म विच इज थ्री पी माइनस सिक्स प्रोपोर्शन सेकेंड टर्म रेशियो थर्ड टर्म तो ये आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है फर्स्ट टर्म ये आपका फर्स्ट मीन है बीच में आपके पास मीन प्रोपोर्शन होता है एंड देन यू हैव द थर्ड मीन तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप जानते हैं कि आपके पास जो रूल है वो बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस तो आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी सेवन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विच इज थ्री पी माइनस सिक्स मल्टीप्लाई थ्री पी माइनस सिक्स अब ट्वेल्व और ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में सो वी आर गेटिंग थ्री ट्वेंटी फोर जिसको हम यूं लिखेंगे थ्री पी माइनस सिक्स इसका होल स्केयर हो जाएगा इक्ल टू थ्री ट्वेंटी फोर अब क्योंकि हमें यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल टेक्के रूट बोथ द साइड्स तो उसकी वजह से क्या होगा थ्री पी माइनस सिक्स का होल स्केयर इक्वल्स थ्री ट्वेंटी फोर होल स्क्वायर तो थ्री ट्वेंटी फोर आप जानते हैं ये एटीन का स्क्वेयर होता है तो प्लस माइनस एटीन हमारे पास आंसर आ रहा है यहां से रूट स्क्वेयर कैंसिल सो थ्री पी माइनस सिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एटीन अब यहां से हम दो दफा इसको सॉल्व करेंगे एक दफा विद द प्लस साइन एंड देन पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन तो इसको हम यूँ लिखेंगे थ्री पी माइनस सिक्स इक्वल्स टू एटीन और सिक्स को हम सिर्फ ट्रांसपोज करते हैं थ्री पी इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और दोनों से थ्री को डिवाइड करेंगे p इक्ल्स टू एट तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थ्री पी माइनस सिक्स इक्वल्स माइनस एटीन माइनस सिक्स को आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो थ्री पी इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व और थ्री से डिवाइड करें बोथ द साइड्स p इक्वल्स टू माइनस फोर तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं p की ये हमारे पास क्या था इसका बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो अननोन लेटर है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया तो पी की दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली इसके लिए हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ा एक दफा प्लस साइन के साथ और एक दफा विद नेगेटिव साइन के साथ तो ये दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं इस तरह से हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर हमने एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है विच इज अनोन लेटर और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही हमें गिवन है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आपने अगेन याद रखना होगा कि आप फर्स्ट टर्म रेशियो सेकंड टर्म देन सेकंड टर्म रेशो थर्ड टर्म लेते हैं विद प्रोपोर्शन एट साइन तो पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो होगा दरम्यान में प्रोपोर्शन का साइन आएगा और फिर दूसरी और तीसरी टर्म का रेशो आता है तो आइए हम इसको लिखते हैं इन दिस फॉर्म क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन के अंदर गिवन है सो वी विल राइट इट इज लाइक दिस सेवन रेशो एम माइनस थ्री प्रोपोर्शन एम माइनस थ्री रेशो ट्वेंटी एट अब रूल इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट है That should be equal to product of mean values. So product of होने वाला रूल है तो देखें एक्सट्रीम टर्म क्या है हमारे पास सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट और मीन में क्या आ रहा है m माइनस थ्री सो m माइनस थ्री मल्टीप्लाई एम माइनस थ्री तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं m माइनस थ्री होल स्केयर एंड दिस इक्वल टू सेवन टू ट्वेंटी एट दिस बिकम्स वन सिक्स अब हमें क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी विल टेक स्के रूट बोथ द साइड्स तो उसमें एम माइनस थ्री होल स्केयर ये देखिए हमने रूट ले लिया इक्वल्स वन नाइन्टी सिक्स विद प्लस माइनस के साइन के साथ रूट कैंसिल तो एम माइनस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा आप जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू फोरटीन अब यहाँ पर हमने इसको सेपरेट करना है एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सो वी विल सेपरेट इट लाइक दिस एम माइनस थ्री इक्वल्स प्लस फोर्टीन और एम का आंसर हमारे पास आ जाएगा जब माइनस थ्री वहाँ पर जाता है बराबर की दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा सो दिस इक्ल टू सेवनटीन और यहाँ पे आप आ जाएँ इसको हम लिखेंगे m माइनस थ्री इक्ल्स माइनस फोरटीन माइनस थ्री को आप ट्रांसपोज करें वहाँ पर तो ये बन जाएगा माइनस फोरटीन प्लस थ्री एंड देट आंसर माइनस एलेवन तो इस तरह से देखें हमने m की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूट प्रोपोर्शन जो कि हमें गिवन था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एम की वैल्यू को जो कि अन है यहाँ पर उसको हासिल कर लिया